दोस्तों लखनऊ को बनाने थे 183 रन और इसके बाद मैच में हुआ चमत्कार। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 58वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद की टीम के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां दोस्तों ये मुकाबला इन दोनों ही टीमों को जीतना बेहद जरूरी था प्लेऑफ में जाने के लिए। और जब इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीता तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी और उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, क्योंकि 19 रन के स्कोर पर यदुवीर सिंह चरक ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था और वो 7 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में अनमोल प्रीत सिंह काफी बेहतरीन लय में दिख रहे थे तो राहुल त्रिपाठी भी इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 56 रन के स्कोर पर यश ठाकुर ने त्रिपाठी को आउट कर दिया था और वो 20 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान माकरम उतरे थे और माकरम भी इस मैच में एक बड़ा छक्का तो 2 चौके लगा चुके थे और शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। लेकिन तभी दूसरी तरफ खड़े अनमोल प्रीत सिंह को अमित मिश्रा ने आउट कर दिया और वो 36 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद जब 115 रन के स्कोर पर कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने उतरे तो उन्होंने एक के बाद एक कप्तान माकरम और ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया था। जहां कप्तान माकरम 28 रन बनाकर आउट हुए थे तो फिलिप्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ इस मैच में क्लासन काफी आक्रामक लय में दिख रहे थे और वो एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उनका साथ अब्दुल समद दे रहे थे और अब्दुल समद की बैटिंग भी इस मैच में काफी कमाल की थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 58 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन जब क्लासन अपने 50 से बस 3 रन दूर थे तभी उनको आवेश खान ने आउट कर दिया और दोस्तों क्लासन 47 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद अब्दुल समद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद की टीम ने 182 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और अब्दुल समद 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस मैच में कृणाल पांड्या को 2 विकेट हाथ लगी थी। तो अब लखनऊ को 183 रन बनाने थे और जब लखनऊ की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि कायले मेयर्स ने शुरुआत की 10 गेंदों पर अपना खाता तक नहीं खोला था और इसके बाद 12 रन के स्कोर पर ग्लेन फिलिप्स ने कायले मेयर्स को आउट कर दिया था और वो केवल 2 ही रन बना पाए थे। जहां एक तरफ इस मैच में डिकॉक काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो इसके बाद उनको भी 54 रन के स्कोर पर मयंक मारकंडे ने आउट कर दिया था और डिकॉक 29 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में प्रेरक मकंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका साथ मार्कस स्टोइनिस दे रहे थे। लेकिन इस मैच में लखनऊ के रन बेहद ही कम रफ्तार से बन रहे थे, जिससे लखनऊ के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके बाद प्रेरक मकंत ने 35 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद अभिषेक शर्मा 16वां ओवर डालने आए तो इस मैच में पूरा मैच पलट गया, क्योंकि दोस्तों इस ओवर में जहां उनको शुरुआत की 2 गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस ने शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, हालांकि अगली गेंद पर स्टोइनिस को उन्होंने आउट कर दिया था और स्टोइनिस 25 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद अगली 3 गेंदों पर निकोलस पूरन ने 3 छक्के जड़कर इस 16वें ओवर में 31 रन बटोर लिए थे और इस मैच को पूरी तरह लखनऊ के पक्ष में कर दिया था। और इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से आखिरी ओवर में लखनऊ को केवल 4 रन बनाने थे और लखनऊ की टीम ने ये मुकाबला आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर ही जीत लिया था। और दोस्तों लखनऊ की तरफ से पूरन केवल 13 गेंदों में 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो मकंत ने भी 64 रन बनाए थे और दोस्तों हैदराबाद की टीम ये मैच जीत जाती। लेकिन अभिषेक शर्मा का वो ओवर हैदराबाद को काफी भारी पड़ा।